बड़वानी में प्रतिदिन गरीब एवं ज़रूरतमंदों को अजीत जैन मित्र मंडल के द्वारा भोजन करवाया जाता है। भोजन नगर के रोटरी शिशु मंदिर में बनता है। अधिकांश लोगों को पार्सल दिया जाता है, जिन तक नहीं पहुंचा जा सकता है उन्हें रोटरी शिशु मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भोजन करवाया जाता है। वहीं आज बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने भोजन की व्यवस्था देखी और ज़रूरतमंदों को स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा एवं स्वयं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने भोजन किया। क्षेत्रीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल द्वारा नगर के वाल्मीकि वनवासी आश्रम में कोरोना को हराने के लिए हवन किया गया। वहीं आश्रम में 10 गिलोई के हजारों पौधे बनवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 2,00,000 गिलोई के पौधे जनता को वितरित किए जाएंगे। नगर के वाल्मीकि वनवासी आश्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी एवं क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा कोरोना महामारी को ध्वस्त करने हेतु हवन किया गया। साथ ही गिलोई के 10,000 पौधे बनाए जाएंगे। गिलोई के औषधि गुणों को लोगों को फ़ायदा पहुँचाने व लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2,00,000 गिलोई के पौधे बनवा कर मध्य प्रदेश में लोगों तक पहुँचाने का नवाचार किया जाएगा। वाल्मीकि वनवासी आश्रम में सांसद द्वय द्वारा हवन में भाग लेकर कोरोना को विश्व से समाप्ति करने की कामना की गई थी। आज बड़वानी में हवन के माध्यम से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए हम 10,000 पौधों का यहां पर निर्माण करने वाले हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 2,00,000 गिलोई के पौधे बनाएंगे और कहीं ना कहीं हम जनता को उसको देंगे और इस गिलोई के पौधे के माध्यम से लोग इसका श्रवण करें और लोग कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी और अन्य प्रकार की बीमारी से इस गिलोई का जो आयुर्वेदिक औषधि भी है इसका उपयोग करके स्वस्थ भी हों और आने वाले कई संक्रमण से लड़ पाएँ। मैं इस माध्यम से वनवासी कल्याण परिषद को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान करता हूँ कि आप भी गिलोई के पौधे लगाएँ। हम लगा के वितरण भी करेंगे, आप खुद भी लगाएँ, स्वस्थ रहें और इस देश के लिए काम करें। भारतीय किसान संघ द्वारा शनिवार को SP कार्यालय पहुंच बड़वानी जिले के नर्मदा नदी किनारे किसानों की मोटर पंप व खेतों पर भी पंप चोरी होने व मोटर से कॉपर वायर चोरी होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर SP निमेश अग्रवाल को जिले के नर्मदा के दोनों किनारों के किसानों की पीड़ा से अवगत करवाया। वहीं SP निमेश अग्रवाल द्वारा किसानों की पीड़ा सुनने के बाद चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। उधर किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि यदि किसानों की मोटर चुराने वाले चोरों को जल्द न पकड़ा जाने पर जिले में थाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज मेरे को एक शिकायत पत्र दिया गया है, उसमें जो है ये बताया गया है कि यहाँ नर्मदा पट्टी में कुछ गांव में जो है मोटर चोरी की घटनाएं हो रही है। इस संबंध में जो है वहाँ पे गश्त बढ़ाने को और जो भी इसमें चोर कर रहे हैं उनको पकड़ने हेतु मेरे को शिकायत पत्र दिया गया है। इसमें हमने कुछ इसमें हमने डिस्कशन किया है और किस तरह से हम इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे, जो प्लान बनाएंगे उस संबंध में चर्चा हुई है और आगे इसमें जो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हाँ, आज बड़वानी में PG कॉलेज में ऑनलाइन पंजीयन के साथ साथ वर्क प्लेस मैनेजमेंट दोनों तरीके से हम लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी तक लगभग 900 लोगों का आज वैक्सीनेशन हो चुका है। सर आज मतलब पहली बार इतना बड़ा वैक्सीनेशन? हाँ, ये अभी तक का हमारा सबसे बड़ा टारगेट था और वो टारगेट आज पूरा हो चुका है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसमें कई लोगों को हमने समझाइश भी दी है कि आगे की तारीख में सोमवार को जब भी वैक्सीनेशन के लिए यहाँ प्लान किया जाएगा उन लोगों को भी वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। नहीं, अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगी सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।